से कश्मीर में लश्कर समर्थित टीआरएफ के बैक टू बैक आतंकी हमले। शीर्ष खुफिया सूत्रों की ओर से ऐसे हमले के इनपुट थे। ये दोनों आतंकी हमले अपेक्षित तर्ज पर हैं। पिछले 3 महीनों में कश्मीरी पंडितों, बीजेपी से जुड़े नेताओं, कश्मीर के बाहर के पर्यटकों और सुरक्षा बलों पर आतंकी हमलों की खुफिया जानकारी। ये दोनों हमले घाटी के बाहर के पर्यटक और बीजेपी से जुड़े सरपंच पर हैं। आतंकी हमलों के मुख्य रूप से 2 कारण हैं, एक तो आम चुनाव और दूसरा आगामी यात्रा। ये हमले हताशा के संकेत हैं, जो बताते हैं कि आईएसआई किसी भी हाल में हमले करने को बेताब है। चुनाव के दौरान पीएम और गृह मंत्री के पूर्ण सामान्य स्थिति और 370 को हटाने के बयानों से आतंकवादियों में हताशा है। कश्मीर में लश्कर समर्थित टीआरएफ के बैक टू बैक आतंकी हमले। शीर्ष खुफिया सूत्रों के ओर से ऐसे हमलों के इनपुट हैं। ये दोनों आतंकी हमले अपेक्षित तर्ज पर हैं। ये हमले हताशा का संकेत हैं, जो बताते हैं कि आईएसआई किसी भी हाल में हमले करने को बेताब है। चुनाव के दौरान पीएम और गृह मंत्री के पूर्ण सामान्य स्थिति और 370 को हटाने के बयानों से आतंकवादियों में हताशा है। रो रो के बुरा हाल है, बच्चे हो बूढ़े हो, यानी कि जो एजाज हर गरीब के काम में पहल किया करता था। आपसे पूछेंगे, आपका नाम क्या है? मुबारक अहमद। एजाज को आप जानते थे? हाँ, वो मेरा बयान खुद का है। कैसे हुआ वो? हमने भी सुना, कल शाम को खैर हो गया तो जी फिर हम यहाँ आए तो यहाँ पे उसको हॉस्पिटल ले लिया गया। तो एजाज के बारे में बता दीजिए, एजाज किस तरह काम करता था? एजाज इनसे बात करेंगे। आप बताइए, एजाज कैसा इंसान था और क्या आपको लग रहा है कि एजाज का दुख है आपके? हाँ, एजाज का दुख है मुझे बहुत। एजाज बहुत अच्छा इंसान था और यहाँ इस गांव में उसने बहुत डेवलपमेंट किया। वो मतलब यहाँ पे हर मतलब जो गरीब आदमी है उसको वो मदद करता था। पिछले 5 साल से वो सरपंच थे, यानी कि जब भी हम आते थे करोड़ों रुपया लेके वो इस गांव पे खर्च किए उसने, तो क्या वो चीज़ें याद दिला देंगे आपको? वो चीज़ें हमें याद है, सभी लोगों को याद है, क्योंकि इसलिए जमा है यहाँ पे सभी लोग। वो हर किसी गरीब को मदद करता था, तो उसकी याद आ रही है, हमें बहुत याद आ रही है। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि इनका साफ कहना है कि कहीं ना कहीं जो एजाज है करोड़ों रुपया, यानी कि हर दफ्तर वो जाया करता था और अपने गांव के डेवलपमेंट के लिए काम करता था, और यहां पे बात करने के लिए कोई तैयार नहीं। सब गम में है, सब परेशान है, उसके यार दोस्त अकारिब, यानी कि बड़ी मुश्किल से हम किसी से बात कर पाए, चूँकि एजाज का दुख हर दिल में बसा हुआ है। एजाज हर वक्त अपने गाँव के लिए काम करता था। ऐसी क्या आफत आई कि एजाज कल था लेकिन आज नहीं है? इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुपियान। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है एजाज के घरवाले, उनका रो रो के बुरा हाल है, बच्चे हो बूढ़े हो, यानी कि जो एजाज हर गरीब के काम में पहल किया करता था। आपसे पूछेंगे, आपका नाम क्या है? मुबारक अहमद। एजाज को आप जानते थे? हाँ, वो मेरा बयान खुद का है। कैसे हुआ वो वाकया? हमने भी सुना, कल शाम को खैर हो गया तो जी फिर हम यहाँ आए तो यहाँ पे उसको हॉस्पिटल ले लिया गया। तो एजाज के बारे में बता दीजिए, एजाज किस तरह काम करता था? एजाज वो अच्छा लड़का था। कितने साल सरपंच रहे वो? 4 साल। तो आवाम के लिए किस तरह काम कर रहा था? आवाम के लिए काम किया, अच्छा किया था। तो उसके जाने का दुख होगा तो? और क्या दुख है, बहन का लड़का। यानी कि एजाज का ये बांजा जिसे हम बात कर रहे थे, तो आप देख सकते हैं कि अभी जो एजाज की जो बाड़ी है वो फिलहाल वहीं शुपियान हॉस्पिटल में है। तो यहाँ उसके रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, अकारिब सारे यहाँ पे हैं। और बेटा, अब आपसे तहसील करो इसका एजाज स्मृतिक तो इस पर क्या वाक़ा को तहसील तशरी रोजाना आप, यानी कि इतने दुखे हैं सारे लोग, बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। वाकई बहुत दुखित खबर है ये, कोई भी यहाँ पे बात नहीं कर पा रहा है। फिर एक बार लिए चलते हैं हम आपको, आप देख सकते हैं कि किस तरह जो एजाज के यहाँ पे रिश्तेदार है उनका रो रो के बुरा हाल है, और एजाज की जो है बाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं।
इरशाद मलिक, न्यू सिटी नेटवर्क, शुपियान। हम इस वक्त घटना स्थल पर मौजूद है और वो यहीं पे एजाज अहमद शेख का घर है और उसका परिवार जो है उनका रो रो के बुरा हाल है। एजाज एक सामाजिक कारकुन के साथ साथ एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी था। एजाज की आवाज़ इन इलाकों में गूंजा करती थी। जब भी कोई मसला यहाँ पे होता है, चाहे रोड का मसला था या कोई भी डेवलपमेंट काम का मसला होता था, एजाज सामने आता था। एजाज एक लोकप्रिय, यानी कि वाकई वो सरपंच 5 साल रहे, लेकिन उसकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा थी और उसका परिवार जो है इस वक्त रो रहा है। उसकी माँ का बुरा हाल है, उसके बच्चे हैं, उसके तमाम आप देख सकते हैं तमाम रिश्तेदार जो इस गांव के हैं वो सारे यहाँ पे मौजूद है और उनका भी रो रो का बुरा हाल है। इसी घर में कल यहाँ पे मौजूद था एजाज जब मिलिटेंट इस घर में घुस गए और अंदाज़ एजाज पे गोलियाँ चलाईं। एजाज को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शुपियान शिफ्ट किया गया था और वहाँ पे उसकी जो है मौत हुई। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा कि दिन भर वो अपनी कंपेन चला रहा था, यानी कि दरक्षा अंजाबी MOS जो BJP की थी और जो यानी कि अवकाफ की जो चेयरपर्सन है वो आई थी उसके साथ था, यहाँ से लेकर पीर गली तक उसके साथ था, यानी कि लगातार पार्टी के लिए काम कर रहा था। और उसने जब आखिरी सांस रात को ली, जब मिल्टन ने 9:30 यानी पौने 10 उस पर अटैक किया और उसकी जान चली गई है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुपियान। मैं जब 10th में पढ़ता था मैं भी खुद पत्थर फेंकता था, मैं भी पत्थरबाज था। हमें कोई काम नहीं होता था, हमें 500 देते थे, हम पत्थर फेंकते थे। हम ये नहीं देखते थे हमें गोली वहां से लगेगी या क्या हो जाएगा। जब मैं सुधर गया तो उन्होंने उन लोगों को क्यों नहीं सुधराया है? मैंने वोट आज तक नहीं डाला था, लेकिन मैंने जब से मोदी जी बन गए मैंने वोट डाला है। हर किसी को बोलता है मोदी जी को कामयाब करो, बच गया हूँ ना मैं। हम मेरी जैसे हजारों नौजवान, लाख नौजवान वहाँ बच गए क्योंकि हम पत्थर। ये मसला हो गया ऐसा कि हम सोने लगा, सोचे कि बेहद अब 5 मिनट हो गया। हमारे मकान के साथ है टीन का देवा, वहाँ पर जिस तरफ टीन को बचे बचाता है ना, इसी तरफ हो गया। मैंने अपनी बीवी को बोला कि आप नज़र मारें, वो उसने खिड़की खोला, नज़र मारा, वहाँ पर उसने दूसरी साइड से आवाज़ सुनी। फिर हम बाहर निकल था, इसके घर गए, यहाँ किचन में पड़ा था। फिर हमने किया काम, उधर से उठाया लिया थानेपुर, थाने से वापस आया, फिर यहाँ हॉस्पिटल में थे, मगर ये वहीं से रहते, वहीं से रहते। बच्चे 2-5 महीने की बच्ची, 2 साल की और एक बच्ची है, 4 साल की, 5 साल का लड़का है और इसकी बीवी, बस यही। बिल्कुल छोटी फैमिली, बिल्कुल। चुनाव के दौरान ऐसा प्रयास किया गया है, पाकिस्तान से आए हुए घुसपैठी जो आतंक को हवा दे रहे हैं, सुरक्षा बलों की कार्रवाई से ऐसी घटना घटी है, लेकिन ऐसी घटनाओं से अफसोस होता है। कुछ पार्टियां जो बार बार पाकिस्तान की बात करती हैं वो कभी ना कभी इसके लिए जिम्मेदार हैं। लोकल खुश हैं इसलिए पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी पर्यटन में बाधा डालने के लिए ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। एक दोहर घटना है, खास करके इलेक्शन के आसपास और उसके दौरान इस प्रकार का प्रयास किया गया है कि लोगों को मतदान करने में वादा डाली जाए, वहां पर इस प्रकार की लोगों में दहशत फैलाई जाए। और पाकिस्तान से आए हुए घुसपैठिए या उनके द्वारा प्रेरित लोग जो वहां पर भी आज आतंकवाद को हवा दे रहे हैं, काफी हद तक उनको सुरक्षा बलों ने मार गिराए, काफी तादाद उनकी घटी। लेकिन जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो स्वाभाविक बात है कि दुख होता है, और खास करके जानबूझ करके जो व्यक्ति किस पार्टी से जुड़ा है, क्या है उसका, तो उसी कारण से इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कुछ राजनीतिक पार्टियां जो बार बार पाकिस्तान की बात करती हैं, 370 दोबारा लाने की बात करती हैं, वहां पर कश्मीर में लोगों में असमंजस की स्थिति पैदा करने की बात कही है, वो भी कहीं ना कहीं कसूरवार है, इसके लिए मानना पड़ेगा। मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और मुझे उम्मीद है कि सुरक्षा बल जल्द ही इस प्रकार के जो कौन लोग थे उनको ढूंढ निकालेंगे और मार गिराएंगे। वही कह रहा हूं, टूरिस्ट काफी मात्रा में पिछले वर्ष जो कहते थे कि 1,70,00,000 के लगभग आए, तो टूरिज्म में वादा डालने के लिए, क्योंकि स्थानीय लोग
तो नहीं चाहेंगे, उनके तो बिजनेस अच्छे चल रहे हैं, उनका सब काम अच्छा चल रहा है, खुशहाली का माहौल पैदा हुआ है, रोजमर्रा के बंद नहीं होते, कुछ ना कुछ तो इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ मानना चाहिए। और कुछ लोग जो पैसा लेकर के इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं, दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके इरादे सफल होने वाले नहीं हैं, लेकिन एक एहतियात के तौर पर ये चीजों को ध्यान में रखना होगा। और इस प्रकार के जो ये लोग हैं, इनको कहीं ना कहीं लोकल लोग भी पनाह ना दें ताकि इनका मनोबल ना बढ़े। और अनंतनाग में आतंकियों ने एक दंपति पर हमला किया। हमले में दंपति बुरी तरह घायल हो गया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर तैनात हैं। घटना की जानकारी कश्मीर पुलिस जोन ने दी है। तो अनंतनाग में आतंकियों ने दंपति को निशाना बनाया और दंपति हमले में बुरी तरह से घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया और पुलिस और सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। हम इस वक्त यनियट पहलगाम के उसी मकाम पर मौजूद है जहां पर कल रात देर गए पॉइंट ब्लैक रेस से मिलिटेंटों ने एक ट्विस्ट कपल को निशाना बनाया और जिसके नतीजे में वो दोनों मियां बीवी जिनका ताल्लुक जयपुर से बताया जा रहा है जख्मी हो गए। चिनाजी उन्हें फौरी तौर पर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सीर हमदान पहुंचाया गया जहां से उनको एडवांस ट्रीटमेंट के लिए जीएमसी अनंतनाग मुंतकल कर दिया गया और ये बताया जा रहा है कि फर्दर ट्रीटमेंट के लिए उसी कपल को श्रीनगर रवाना कर दिया गया है। और हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये वो जगह है जहाँ पर ये कल रात वाकया पेश आया और उसके बाद यकीनी तौर पर जो यहाँ पर रिहाइश पजीर टूरिस्ट है उनमें पैनिक फैला हुआ है। लेकिन दूसरी जानब सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस या आर्मी की अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने पूरे इलाके को उसी टाइम कॉर्डन ऑफ किया था और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस हमले में मुलव्वस अफराद का सुराग लगाया जाए। और दूसरी जानब हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि जो यहाँ पर टूरिस्ट रुके हुए हैं उनको हर तरह का सहयोग दिया जाए और लगातार पुलिस उनसे बातचीत कर रही है और उनको एक जो सेफ एनवायरनमेंट है, एक सेफ फीलिंग है, वो देने की कोशिश की जा रही है। और हम आपको बता दें कि ये पहलगाम का इलाका है और जिस तरह से यहाँ की खूबसूरत वादियाँ यहाँ की खूबसूरती को दर्शाती है और यकीनी तौर पर जो लास्ट ईयर रहा है उसमें 2,11,00,000 के करीब जो टूरिस्ट हैं उन्होंने कश्मीर विजिट किया था और इस साल ये तवक्को की जा रही है कि वो पिछला साल का जो रिकॉर्ड था उसको भी तोड़ा जाएगा और जो बम्पर फ्लो ऑफ टूरिस्ट है वो यहाँ पर उम्मीद की जा रही है। और इसके लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म या फिर गवर्नमेंट है तो यकीनी तौर पर इकदाम उठा रही है और ये भी अब कोशिश की जाएगी कि जो कल रात इंसिडेंट पेश आया उसका इस फ्लो पे टूरिस्ट का अराइवल जो है उस पर कोई असर ना पड़े और इसके लिए कोशिश जो है वो यकीनी तौर पर की जाएगी। और दूसरी तरफ जो यहाँ का हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, टूरिज्म सेक्टर है, तो काफ़ी उन्होंने भी इसका हमले को कंडम किया है और इसके अलावा जो पॉलिटिकल लीडरान हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लगातार इस हमले को कंडम किया जा रहा है। और फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि ये कोशिश की जा रही है कि जो यहाँ पर टूरिस्ट रुके हुए हैं उनको किसी भी किस्म की तकलीफ ना पहुँचे और उनको एक सेफ एनवायरनमेंट देने की भी कोशिश की जा रही है।